तो जैसे जैसे जानकारी मिलती गई मॉलिक्यूल्स आयंस की, हमें पता लगता गया कि ऑक्टेट रूल बहुत जगह अप्लाई नहीं होगा. क्या आने लग गई इसकी लिमिटेशंस, कमियां. ठीक है, पहला, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, कुछ ऐसे स्पीशीज थे जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, फिर भी वो स्टेबल थे. अभी तक दिमाग में क्राइटेरिया क्या चल रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा, या छोटा एटम है तो डुप्लेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा, यही एक क्राइटेरिया चल रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल आ गया BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड. इसका अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए तो बेरिलियम बीच में आएगा, क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ. क्लोरीन की कोवेलेंसी भी 1 है, बेरिलियम की कोवेलेंसी 2 है, इसने बॉन्ड बना लिया, बाकी इस पर आ गए क्या, लोन पेयर्स, स्ट्रक्चर बन गया, मॉलिक्यूल स्टेबल है. पर अगर आप सेंट्रल एटम को काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है. ऐसी एग्जाम्पल आएगा BF3 में तुम बोरॉन पर काउंट करोगे तो तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 6, कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, सिक्स्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर भी ये स्टेबल है. तो ऐसे बहुत सारे AlCl3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने लग गए जहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था पर फिर भी वो स्टेबल थे. तो ये पहली क्या आ गई, लिमिटेशन. ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे स्पीशीज जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, हाइपोवेलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ऐसे स्पीशीज क्या बोले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, या फिर क्या बोल सकते हो, हाइपोवेलेंट. हाइपो प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब कुछ कम हो, है ना, और हाइपर ज्यादा हो. हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक पढ़ा होगा ना तुमने बायो में, है ना, आइसोटोनिक बराबर, राइट. तो हाइपो कब यूज करना है, जब जो भी कैपेसिटी उससे कम काम हो रहा. तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन 8 नहीं है, 8 से कम है पर स्टेबल हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, हाइपोवेलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. तो ये क्या आ गई, लिमिटेशन ऑक्टेट की. ऐसे ही इसका उल्टा, कुछ ऐसी स्पीशीज थी जिसमें सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 8 से ज्यादा आने पर भी वो स्टेबल हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल PCl5, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो फॉस्फोरस बीच में और वो 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है. ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है हालांकि, उसका दूसरा स्ट्रक्चर ही, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, वो अपन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है तो इस पर अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितने हो रहे हैं, 10. 5 बॉन्ड बना रहा है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10. 8 होने चाहिए थे, 8 से ज्यादा हो गए पर फिर भी स्टेबल है. SF6 ऐसे ही काउंट कर लो, 6 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सल्फर पर कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, 12. IF7 हर एक फ्लोरीन के साथ आयोडीन ने एक बॉन्ड बनाया, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 7. हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. तो 7 टूजा आयोडीन पर कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जिनमें 8 से ज्यादा, सॉरी, ऐसे स्पीशीज थे जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे पर फिर भी वो स्टेबल थे. तो अगर ये हाइपोवेलेंट हैं तो ये हाइपरवेलेंट हो जाएंगे, ये अपना ऑक्टेट क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाएंगे एक्सपैंडेड ऑक्टेट स्पीशीज, एक्सपैंडेड ऑक्टेट स्पीशीज, या फिर इनको बोलेंगे हाइपरवेलेंट. तो जब ऐसे स्पीशीज डिस्कवर होना शुरू हुए तो ये समझ में आया है, ऑक्टेट इज नॉट द राइट क्राइटेरिया टू जज कि कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है. 8 से कम है तब भी वो स्टेबल हो रहा है, 8 से ज्यादा है तब भी वो स्टेबल हो रहा है. फिर क्या हुआ, फिर जो इसका बेसिस था, ऑक्टेट रूल का बेसिस क्या है बताओ, ऑक्टेट रूल का बेसिस क्या है, किसके बेसिस पर ये दिया गया, नोबल गैसेस के बेसिस पर, उन्हीं को ही ऑब्जर्व किया था ना,
कभी नोबल गैस स्टेबल है, कंपाउंड नहीं बनाती, बॉन्ड नहीं बनाती, रिएक्ट नहीं करती, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी बेसिस पर तो ये कहानी शुरू हुई थी। पर फिर एक दिन क्या हुआ, XEF2 बन गया, है ना, XEF4 बन गया, XEF6 बन गया, ऐसी क्रिप्टन के बन गए। क्रिप्टन के भी कंपाउंड्स होते हैं, ज़ेनॉन के भी कंपाउंड्स हैं, रेडॉन के भी कंपाउंड्स हैं, है ना। याद है मैंने कहा था इस ग्रुप को इनर्ट गैस भी बोलते हैं और नोबल गैस भी बोलते हैं। ऊपर वाली तो इनर्ट है, बिल्कुल कंपाउंड नहीं बनाएंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी और कंपाउंड बनने की टेंडेंसी आ जाएगी, राइट। तो ज़ेनॉन बना रहा है, क्रिप्टन बनाना है, रेडॉन बना रहा है, तो जब ये डिस्कवर हुए तो इसका पूरा बेसिस खत्म हो जाएगा, राइट। तो तीसरी लिमिटेशन क्या आ गई, कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। थर्ड ये आ गया, और चौथा और भी इंटरेस्टिंग, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी देख सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, ऑड। तो ये बनते हैं, स्टेबल हैं, पर इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, वो क्या हो जाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल याद है, NO2 है ना, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है NO2। कैसे बनेगा NO2? N आ रहा है सेंट्रल एटम, दोनों ऑक्सीजन से ये बॉन्डेड है। अब तुम इस पे काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 में से इसने 1, 2, 3, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो अपना लोन पेयर यूज कर रहा है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर रहा है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लगाए अपन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसका कोवेलेंट बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसका कोवेलेंट बॉन्ड में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। 5 में से कितने यूज कर लिए, 4, 1 इस पर रह जाएगा, ये बन गया ऑड इलेक्ट्रॉन। पर इस कंडीशन में भी ये कैसा है, स्टेबल। ऑक्टेट देखो इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तब भी ये स्टेबल है। NO2 तो एग्जिस्ट करता है, ब्राउन कलर्ड गैस पड़ा है ना सबने। तो ऐसे स्पीशीज भी आने लग गए जिसमें इलेक्ट्रॉन जो बच रहा था वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा था, ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा था, तब भी वो स्टेबल थे।